वहीं मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने 16 मई को इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर इस्लामिक देशों के विदेशी मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। ओएसी ने ट्वीट कर बताया कि सऊदी अरब के अनुरोध पर संगठन के कार्यकारी समिति के सदस्यों की विशेष मंत्री स्तर की 16 मई को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता, खासकर अल कुसूद और अल शरीफ में हिंसा को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। संगठन के प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब ने अलग से बयान जारी कर फिलिस्तीनियों पर इसराइली कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। सऊदी अरब ने पूर्वी यरूशलम में फिलिस्तीनियों के परिवारों को निकालने की इसराइल की योजना को भी खारिज करते हुए कहा था कि इसराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। फिलिस्तीनियों पर इसराइल के हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में सबसे ज्यादा तुर्की और पाकिस्तान सक्रिय है। तो बता दें आपको, जिस तरह से लगातार काफी जो दुर्घटना हुई है यहाँ पर, दुर्घटना इसे नहीं कहेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ये मांग है, इसराइल और फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है, एक मस्जिद है जिसको लेकर ये संघर्ष यहाँ पर जारी है। इसी को लेकर 16 मई को बैठक बुलाई गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने यह बैठक बुलाई है जिसमें तमाम 57 इस्लामिक देश जो हैं वो एक साथ आ गए हैं और इसराइल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर उन्होंने इसराइल की निंदा की है।